शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से यार, अबे तेरे पास इतने सारे पैसे, 5-6 लाख मुझे उधार दे सकता है क्या? भाई मेरे पैसे नहीं है, ऑफिस वालों के हैं, वो वेंडर को देने हैं। और तुझे इतने पैसों की जरूरत क्यों है? अरे वो कुछ नहीं यार, वो एक्चुअली कुछ जरूरी काम था। इट्स ओके, तू रहने दे। भाई सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अगर तेरे को ज्यादा जरूरत है तो ताऊ जी से मदद मांग ले। नहीं, मेरा मतलब है कि अब इस उम्र में अपने पापा से पैसे मांगते हुए मैं कैसा लगूंगा। हाँ अच्छा चल चलते हैं, श्रद्धा मेरा वेट कर रही होगी। ओके अरे बाबा मैं ठीक हूँ। ये वो बंटी के बेटे का बताया था ना मैंने तुम्हें, तुम क्या सोचती रहती हो और क्यों? नहीं अब वो बच्चा ठीक तो है ना अबे? हाँ ठीक है, अभी ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है, पर फिर भी डॉक्टर ने बोला कि आज रात के लिए हॉस्पिटल में रखेंगे। वो बेचारा बंटी बहुत घबरा गया था इसलिए थोड़े वक्त ज्यादा रुक गया। नहीं नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ, आप चेंज कर लीजिए। अब भाई आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। अरे रुकिए, अभी खाना मत खाइए, पहले पकौड़ा पार्टी हो जाए। अरे भाई साहब भाभी हम बस खाना शुरू ही किए थे, आइए ना आप लोग भी बैठिए। वैसे ये पकौड़े तो ठंडे हो गए लेकिन लगता है अब दोनों का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। अरे वाह, आज पहली बार वरुण आया है दोनों घरों का माहौल ठीक करने, अरे ऐसा पहले तो नहीं हुआ है। तो चाची आप ही तो कहती है ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, तो बस मैं आ गया। क्यों श्रद्धा जी? बिल्कुल श्रद्धा बेटा, अपनी बहन की मदद नहीं करेंगी आप सबको पकौड़े परोसने में? हाँ ताई जी, आइए ना आप भी बैठिए प्लीज। आप सब लोग शुरू कीजिए, मैं बस अभी आया। मम्मी मेरे बिना सर में बहुत दर्द हो रहा है और ये तला हुआ खाना तो मैं वैसे भी नहीं खाऊंगी, तो मैं अभी ना कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अरे भाभी आप अभी तक खड़ी हैं, बैठिए ना। अरे जब से इन बच्चों के हाथ में हमने फोन क्या दे दिया है, इनका सर दर्द तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आप भी लीजिए ना भाई साहब। अरे अरे ये क्या हो गया? लाइट कैसे चलेगी? जिंदगी का अंधेरा ना कमरे तक अंदर आ गया है। अरे अब ये लाइट कैसे गुल हो गई भाभी? अरे किसी के पास टॉर्च तो होगी? आप सब बैठिए मैं देखता हूँ। हाँ भाई जा जा देख क्या कि हुआ क्या है। बेटा ये भी तो पता करो कि हमारी लाइट गई है कि सबकी गई है। हमें ना बहुत डर लग रहा है। वरुण जी आए क्या? दीदू कहाँ हो? कीर्ति तू डर मत,
तू बस मेरे साथ खड़ी रहे, कुछ नहीं होगा कीर्ति। हाँ कीर्ति बेटा, आप वहीं रहिए, वरना अंधेरे में ना टकरा के चोट लग सकती है। भाई जो जहाँ है सब वहीं रहे, जब तक लाइट नहीं आती। भाई साहब लगता है पहले वाली प्रॉब्लम आ गई है। अरे कम से कम आगे बताया तो उसे, या तो कोई भाई कोई फोन कर लो, कुछ तो करो, कुछ पता तो चले क्या हो रहा है। अरे नहीं नहीं ताऊ जी, अरे छोटा मोटा फ्यूज उड़ा होगा, मैं देखता हूँ, टॉर्च लेकर आता हूँ मैं। आप सब बैठिए। बैग तो मैंने टेबल के ऊपर रखा था, नीचे कैसे गिर गया? खुला क्यों है? अभय बेटा टॉर्च लेकर आइए। हाँ ला रहा हूं। बेटा तुम टॉर्च लाने आए थे या बिजली बनाने? बस आ ही रहा था बुआ जी, चलिए चलो। अरे अब गया है ना, ठीक कर देगा भाई। अरे क्या ठीक कर दे, इससे अच्छा तो मैं बिजली वाले को बुला लेता। अरे आपको तो बस मौका चाहिए हमारे बेटे को ताना मारने का, गया है आ रहा होगा। अरे क्या ताना मारो, अंधेरा नहीं दिख रहा? Thank God, लाइट आ गई। हमने कहा था ना हमारा बेटा ठीक कर देगा, तो उसने कर दिया। लो बताओ ये लाइट क्या चली गई, गर्मा गर्म पकौड़े का स्वाद ही चला गया। अब इन ठंडे पकौड़ों से काम चलाना पड़ेगा। वरुण जी क्यों नहीं आए अभी तक, फोन भी है क्या? भाई तो फोन पे बात करने तो बाहर गया था, फिर यहाँ कहाँ से आ रहा है? वो मैं एक्चुअली ये फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था, तो सिग्नल ढूंढते ढूंढते मैं वो छत की तरफ चला गया। अच्छा बिजली के साथ साथ सिग्नल भी चले गए, ऐसे तो पूरे घर में आते हैं। अब सारे सवाल जवाब खत्म हो गए हैं तो खाना खा लें, कल सुबह सबको काम पे भी तो जाना है। जी वरुण बेटा बैठो। नहीं चाचू मुझे कुछ जरूरी काम। क्या हो गया बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे सब साथ मिलकर ना पकौड़े खाएंगे। अपनी स्वीटों के बने हुए हाथ के पकौड़े नहीं चखोगे तुम? क्या बुआ जी आप भी किसी बात को खींचने का मौका छोड़ती नहीं है ना। वरुण ये बुआ जी के साथ बात करने का कौन सा तरीका है? वरुण जी सब ठीक तो है ना? अरे बस करिए आप लोग, क्या है ये, पीछे क्यों पड़ गए आप लोग वरुण जी के? काम होगा उन्हें। वरुण जी आपको काम है ना, आप जाइए आराम से काम करिए, हम भी आते हैं आपके साथ। हो गया हमारा, खाने का मन नहीं है। बुआ जी वो अचानक ऑफिस का बहुत सारा काम आ गया था, और
ये नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही मेरा गुस्सा निकल गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा ठीक है, तू अपना काम कर बस, ठीक है? चलो अभी तो सबके साथ अच्छे भले थे, ऐसा क्या हो गया कि अचानक इतना परेशान हो गए? और तुम, तुम्हें न्योता देना पड़ेगा पकोड़े परोसने के लिए, सबको परोस दो। भाभी मैं भी खाना खा लेती हूँ, मुझे भी दे दो। अच्छा अभी तो कह रही थी कि तला हुआ खाने से तबीयत खराब होती है। हाँ पर अभी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, आराम किया ना और भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज पकौड़ों की वजह से ये तमाशा हो रहा है या सबके दिमाग हिले पड़े हैं। जी सर। नहीं नहीं सर, वो दरअसल कुछ जरूरी काम पड़ गया था इस वजह से मैं पैसे नहीं देके आई। अब लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज खुद अपने हाथों से किसी भी हालत में वेंडर को पैसे देकर आऊंगी। और सर माफ कर दीजिएगा, ये गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है सर, ओके। अभय, बॉस का फोन आया था, कह रहे थे कि पैसे लेने के लिए घर आ रहे हैं और खुद ही अपने हाथों से वेंडर को पैसे देंगे। बहुत नाराज थे वो। सॉरी यार, मुझे पहले पैसे ही पहुंचा के आने चाहिए थे। एक काम करता हूँ, मैं पैसे निकाल देता हूँ। क्या हुआ अभय? अब दो मिनट, श्रद्धा बैग में पैसे नहीं है। क्या कह रहे हैं आप अबे, पैसे कहाँ जा सकते हैं? हमें ढूंढना होगा अबे, पैसे अचानक कैसे गायब हो जाएंगे? अभी क्या ढूंढना होगा पैसा? कमरे में कहीं होंगे, देखते हैं। श्रद्धा हम घर पे तो ढूंढ रहे हैं लेकिन मुझे अच्छे से याद है मैंने पैसे बैग में ही रखे थे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अबे सर तो घर ही आ रहे हैं पैसे लेने के लिए, उनको क्या जवाब देंगे? इतने भरोसे के साथ उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी थी, अबे हम उनको क्या जवाब देंगे? अब अरे इस घर में कुछ खिलाने पिलाने को है या नहीं है श्रद्धा रानी, या बाहर जाकर हम चाय पी ले? ऐसा थोड़ी होता है। अरे कब से सब चाय के लिए कह रहे हैं और तुम हो कि? अरे तनुजा जी जरा हालात समझने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसी हालत हो रखी है। सब ठीक है बेटा? पापा जी बॉस ने वेंडर को देने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, अभय ने उन पैसों को अपने बैग में रखा था जो अब मिल नहीं रहे। क्या 10 लाख रुपए घर से गायब है? नहीं नहीं कमरे में होंगे, इधर उधर रख दिए होंगे तुम लोगों ने। नहीं बुआ जी, पूरा कमरा देख लिया, कहीं नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, अब तो इस घर में वो चोरनी सोनिया भी नहीं रहती है, पैसे गायब कैसे हो गए? हम जाकर देखते।
सर। सर आइए ना, प्लीज बैठिए। बैठने का समय बिल्कुल नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, वेंडर उधर वेट कर रहा होगा, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। वो सर पैसे कहीं मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गए। मिल नहीं रहे मतलब? श्रद्धा मैंने दिए तो थे तुम्हें 10 लाख रुपए, कहाँ गए मेरे पैसे? सर थोड़ा समय दे दीजिए, पैसे घर पे ही हैं, बस मिल नहीं रहे, हम ढूंढ के आपको वापस दे देते हैं। हाँ सर घर में ही है, मिल जाएंगे। देखिए भाई साहब, जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं कहीं नहीं जाने वाला, यही बैठा रहूंगा। सर आप कुछ चाय नाश्ता लेंगे क्या? देखिए बहन जी, मेरे लिए बेकार ही इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं आपको, लेकिन अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो आप सबकी परेशानी जरूर बढ़ने वाली है। अभय एक मिनट, अभय शुरू से याद कीजिए, कहीं आपने बैग खोला हो और पैसे गिर गए हो, या कहीं धक्का वक्का लगा हो जिसके कारण पैसे गिरे हो, याद कीजिए ढंग से। सुबह जब निकला तो बाइक का टायर पंचर हो गया, उसके बाद बंटी के बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया, फिर रात तक वहीं था, फिर उसके बाद जब पैदल निकला तो भाई मिल गया रास्ते में, गाड़ी में बैठ के उसके साथ घर आ गया। हाँ गाड़ी से उतरते वक्त एक बार पैसे नीचे गिर गए थे, पर शायद मैंने पैसे उठा के बैग में वापस डाले थे, मैं फिर भी एक बार गाड़ी में देख लेता हूँ। हाँ आप प्लीज वहाँ चेक कीजिए, मैं तब तक घर के अंदर चेक करती हूँ। हाँ अच्छा वरुण जी सुनिए ना, आप प्लीज ऑफिस से जल्दी आइएगा आज। ठीक है भाई, वो तेरी गाड़ी देखनी थी एक बार। मेरी गाड़ी? पर क्यों, और तू इतना घबराया हो क्यों? भाई वो वेंडर वाले पैसे नहीं मिल रहे हैं, याद है कल उतरते हुए पैसे नीचे गिर गए थे, तो बस वो एक बार देखने थे यार। हाँ याद है, पर ये भी याद है कि उसी वक्त तूने वो पैसे वापस अपने बैग में रख लिए थे। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, मैंने उठा लिए थे पर अब पैसे मिल नहीं रहे हैं, बस एक बार देखना यार, वो पता चल जाएगा कि कहीं इधर उधर गिर ना गए हो। अरे जब वरुण जी ने बोला ना कि पैसे तुमने उठा लिए थे तो फिर क्यों गाड़ी चेक करनी है? तुम ये कहना चाह रहे हो कि वरुण जी ने तुम्हारे पैसे रख लिए? अरे मैंने ऐसा कब कहा भाई, ऐसा नहीं है, बस वो पैसे नहीं मिल रहे और बॉस घर पे आके बैठा हुआ है, एक बार बस तसल्ली के लिए एक बार गाड़ी देखनी थी बस मुझे। ठीक है तू चिंता मत कर, हम दोनों साथ मिलकर ढूंढेंगे। ठीक है आ जा। भगवान पता नहीं वो पैसे कहाँ रह गए, बस अभय को वो गाड़ी में मिल जाए तो ये बला टले। देखते हैं। श्रद्धा याद करो, शायद तुम्हें याद आ जाए कहाँ रखे थे तुमने। ऐसे कैसे पैसे गायब हो सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वरुण जी ने कहा ना कि तुम्ही को दिया था, तो जाके घर में चेक करो ना, तुम्हारे पास होनी चाहिए, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। किसी देख, तू चिंता मत कर, एक बार शांत दिमाग से ऊपर ही देख, पैसे मिल जाएंगे।
श्रद्धा और कितना समय लगेगा? ये तुम्हारा बॉस ना हमारा सर खाने वाला चेहरा बनाकर बैठा है, अब क्या करोगी तुम? कोई बात नहीं बुआ जी, मैं बात संभालने की कोशिश करती हूँ। अब मैं देखती हूँ। पुलिस क्यों है? इन्हें मैंने ही बुलाया है, आप सबका नाटक मैं पहले ही समझ चुका था। आप में से श्रद्धा त्रिपाठी कौन है? जी, मैं हूँ श्रद्धा त्रिपाठी। कंपनी के 10 लाख रुपए चुराने के जुर्म में हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। हम सुबह से इनके पैसे ढूंढ रहे हैं, पर मुझे अच्छे से याद है मैंने पैसे बैग में ही रखे थे, पता नहीं सुबह वो बैग से गायब हो गए। ऐसा है मिस्टर त्रिपाठी कि पैसे कभी अपने आप इधर उधर नहीं होते हैं, लोगों की बेईमानी पैसे को इधर से उधर करती है। कांस्टेबल ले चलो इसे। रुकिए सर, अब श्रद्धा को छोड़ दीजिए और मुझे ले जाइए। जिस बैग में से पैसे मिले वो बैग भी मेरा है सर। भैया प्लीज रुक जाओ। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।